और जब हम प्रभु में बुद्धिमान बन जाते हैं, प्रभु की बुद्धि से परिपूर्ण हो जाते हैं, प्रभु की बुद्धि की आत्मा से भर जाते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि शैतान अपना चक्रव्यूह कैसे रच रहा है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बताए से आशीष दे, आमीन। आज हम बात करेंगे शैतान के चक्रव्यूह के बारे में। जी हां, शैतान का चक्रव्यूह। चक्रव्यूह एक ऐसी रचना है कि जिसमें इंसान फंस जाए तो उसका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल से जो है वो निकल पाता है। और खास तौर से अगर शैतान ने वो चक्रव्यूह रचा हो तो और भी मुसीबतें जो है वो आ जाती हैं। और इस चक्रव्यूह के बारे में जो है हम बात करेंगे। ये चक्रव्यूह का जो है पहला भाग है, इसके मैंने तीन भाग बनाए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं वो तीन भाग कौन कौन से हैं। पहला है कि शैतान के चक्रव्यूह से कैसे बचा जा सकता है, ये मैंने पहले ही भाग रखा हुआ है। ताकि आप पहला भाग इसलिए रखा कि शैतान के चक्रव्यूह से कैसे बचा जा सकता है, ताकि हम उसके चक्रव्यूह में ना फंसे और उससे बचने की कोशिश अभी से शुरू कर दें। दूसरा है शैतान के काम करने का तरीका क्या है, उसके काम करने का तरीका ही उसका जो है वो ऐसा चक्रव्यूह है कि वो अपने काम में हमें फंसा देता है और परमेश्वर से दूर कर देता है। शैतान का चरित्र कैसा है, जी हाँ, जब हम शैतान के चरित्र के बारे में जानेंगे तब हमें पता चलेगा उसका चरित्र कैसा है और हमें संभल कर रहना है, क्योंकि शैतान किस तरीके से अपने चरित्र को इस संसार में प्रयोग करता है उसको भी हम देखेंगे। तो ये तीन चीजें हैं, इन तीनों के बारे में जानना है यदि शैतान के चक्रव्यूह से बचना चाहते हैं। शैतान के चक्रव्यूह से कैसे बचा जा सकता है, पहले हम इस चीज को देखेंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 24 पद है, पर तुम थुआतीरा के बाकी लोगों से जितने शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बात कहते हैं नहीं जानते, ये कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ ना डालूंगा। अब यहां परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, यहां पर शिक्षा का मतलब जो है, यहां पर इंग्लिश में शब्द डॉक्ट्रिन आया है, सिद्धांत। सबसे पहले वो परमेश्वर की डॉक्ट्रिन को समझे, सिद्धांतों को समझे। आज जो है अगर सही माने में देखा जाए, परमेश्वर के सिद्धांत आज एक तरफ है। आज हम मनुष्यों ने अपने अपने कलीसिया के अंदर अपने अपने सिद्धांतों को बनाया है और अपने अपने सिद्धांतों के अनुसार काम करते हैं और लोगों से यही कहते हैं कि हमारे जो सिद्धांत हैं वो सबसे अच्छे हैं और वही सही है, वही बिब्लिकल है। सभी इस बात की चर्चा करते हैं, मैं किसी एक के ऊपर नहीं कह रहा हूं, सभी की बात कर रहा हूं, यहां सभी हैं। और यही कारण है कि शैतान की जो गहरी बातें हैं, जो गहरी चाल है उसकी, वो नहीं समझ पाते। परंतु हम लोग शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है। देखिए, वो डॉक्ट्रिन को नहीं मानते या नहीं समझते हैं, या उनके बारे में बहुत से लोग परमेश्वर की डॉक्ट्रिन के बारे में जानकारी नहीं है, तो शैतान की गहरी चालों के बारे में उनको जानकारी नहीं है। मगर ऐसा नहीं है, परमेश्वर का वचन ये इस बात को नहीं बताता कि हम शैतान की गहरी बातों को नहीं जान सकते हैं, इसलिए हम फंसे रहते हैं, इसलिए हम सीख नहीं सकते हैं। अब देखिए, पढ़िए 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 11वां पद, बड़े ध्यान से सुनिएगा ये पद को, कि शैतान का दांव हम पर ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। ध्यान करें कि यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि शैतान का किसी भी प्रकार का कोई दांव हम पर ना चले, हमारे जीवन पर ना पड़े उसका कोई भी दांव, या हमारे परिवार पर ना पड़े। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें उसकी हर चाल के विषय में, उसकी हर युक्तियों के बारे में हमें बता रखा है कि कैसे वो अपनी दांव के द्वारा, अपनी युक्तियों के द्वारा जो है वो इंसान के चारों तरफ, खास तौर से उन इंसान के चारों तरफ जो परमेश्वर की ओर बढ़ते हैं, अपना चक्रव्यूह रचता है और उन्हें फंसाता है। हम अनजान नहीं है, परमेश्वर ने हमें शैतान के हर कदम के बारे में बताया है कि
कि वो कौन सा जाल बिछा सकता है आपको फंसाने के लिए, कैसे फंसा सकता है, कैसे अपने चक्रव्यूह की वो रचना रचता है और किस तरीके से उस चक्रव्यूह में फंसाकर हमारे आत्मिक जीवन को बर्बाद कर देता है और हमें हमारे परमेश्वर से दूर ले जाकर खड़ा कर देता है। ये समझने की बात है। फिर है शैतान के चक्रव्यूह से बचने का एक कई तरीके हैं और भी परमेश्वर बताता है कि मुख्य रूप से उन बातों को समझना जरूरी है। पहला कि परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलना है। देखिए अगर हम शैतान के चक्रव्यूह से बचना चाहते हैं, उसके जाल में फंसना नहीं चाहते हैं, तो हम आत्मा के अनुसार चलें। क्या लिखा हुआ है रोमियो 8 अध्याय उसके 14वें पद में, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं, और जो परमेश्वर के पुत्र हैं और जो पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, यानी क्या कहने का मतलब क्या है कि उनका जीवन किसके हाथों में है, पवित्र आत्मा के हाथों में है। जब हमारा जीवन पवित्र आत्मा के हाथ में है तो इसका मतलब क्या है, हम सुरक्षित हैं, हम शैतान के चुंगुल में या शैतान के चक्रव्यूह में फंस नहीं सकते हैं, उसकी किसी भी युक्तियों में या किसी भी झांसे में नहीं आ सकते हैं। जी हाँ, हम परमेश्वर का वचन जो है ये बताता है। दूसरी बात है बुराई से दूर रहना। अय्यूब 28 और उसके 28 पद में क्या लिखा है, तब उसने मनुष्य से कहा, देख प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। ठीक है, हमें बुद्धिमान बनना है, और बुद्धिमान कैसे, जब हम बुराई से दूर होते हैं। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि जब हम प्रभु का भय मानते हैं तो हम बुद्धिमान होते हैं, और जब हम प्रभु में बुद्धिमान बन जाते हैं, प्रभु की बुद्धि से परिपूर्ण हो जाते हैं, प्रभु की बुद्धि की आत्मा से भर जाते हैं, तो हमें दिखाई देता है कि शैतान अपना चक्रव्यूह कैसे रच रहा है। फिर हमें परमेश्वर का भय डराता है कि अगर हम इसके चक्रव्यूह में, इसकी युक्ति में, इसके फंदे में या इसके झांसे में आ गए या फंस गए तो हम परमेश्वर के राज से दूर हो जाएंगे, परमेश्वर को नाराज कर देंगे और फिर परमेश्वर हम पर क्रोधित होगा। और समझ क्या है, यानी बुराई से दूर रहना समझ है। हम समझदार इंसान हमेशा बुराई से दूर रहता है। देखिए ये जो है परमेश्वर का वचन जो है किस तरीके से हम शैतान के चक्रव्यूह से कैसे बच सकते हैं, किस तरीके से बच सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, वो तरीके आपको बता रहा हूं मैं आपको। फिर है तीसरा तरीका और बताना चाहता हूं, याकूब 4 अध्याय उसका 7 पद, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग जाएगा। अब देखिए मान लीजिए शैतान आपके सामने या आपके परिवार में या आपके जीवन में आ गया कि आपके आत्मिक जीवन को बर्बाद कर दे, आपके परिवार को बर्बाद कर दे, आपको परमेश्वर से दूर ले जाए, नो प्रॉब्लम, आने दीजिए, आजा भाई। क्यों आने दीजिए, क्योंकि आपको करना क्या है कि हमें अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देना है, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है कि परमेश्वर मुझे अपनी अधीनता में ले दे। जब हम परमेश्वर की अधीनता में चले जाते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में चले जाते हैं अपने परिवार के साथ, तो आ भाई शैतान आ जाता है, अब आ जा, तो फिर उसका सामना करते हैं, फिर वो कितने भी चक्रव्यूह लगाए, कितने भी जाल फैलाए, कितनी भी युक्तियां करें, कितने भी फंदे लगाए, कितने भी झांसे दिलाए हमें, हम लोग फंस नहीं सकते। क्यों नहीं फंस सकते उसके चक्रव्यूह में, क्यों नहीं उसके फंदे में फंस सकते, क्यों नहीं उसकी युक्तियों में फंस सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के अधीन हो गए। और वो क्या गया, ये तो फंस ही नहीं सकता। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, आप जानते हैं, आप जब अय्यूब की पुस्तक उसका 1 और 2 अध्याय पढ़ेंगे तो शैतान जब जाता है परमेश्वर के पास, जब 1 अध्याय को ही पढ़ेंगे तो शैतान जब परमेश्वर के समक्ष जाता है तो परमेश्वर उससे अय्यूब के बारे में पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, उस परमेश्वर ने शैतान से अय्यूब के बारे में पूछ रहा है कि तूने मेरे दास अय्यूब को देखा, उसके समान खरा, बुद्धिमान और मेरा भय मानने वाला और कोई है नहीं, तो शैतान वहां पर क्या कह रहा है, अरे प्रभु वो ऐसी थोड़ी तेरी आराधना करता है, तूने उसके चारों तरफ तो अपना बाड़ा बांध रह रखा। अब परमेश्वर ने अय्यूब के परिवार के चारों तरफ, अय्यूब की हर चीज के चारों तरफ बाड़ा क्यों बांध के रखा था, क्योंकि अय्यूब अपने परिवार के साथ परमेश्वर के अधीन था, अधीनता में था। अब शैतान ऐसा नहीं है कि जाता नहीं था, जाता था मगर लौट के आ जाता, कुछ कर ही नहीं सकता था यार, इसका क्या करें,
ये तो परमेश्वर के बाड़े में है। अब ये परमेश्वर के बाड़े में तभी निकल सकता है, या तो परमेश्वर अपना बाड़ा हटाए या ये परमेश्वर की अधीनता से निकले तो ये बाड़ा समाप्त हो जाएगा। और परमेश्वर ने बाड़ा तो हटा दिया, शैतान तब मौका ढूंढा उसको नष्ट करने का, मगर अय्यूब जो था परमेश्वर पे भरोसा करता रहा। वो परमेश्वर की, वो बाड़ा परमेश्वर ने हटा दिया, ठीक है मैं अपना बाड़ा हटा देता हूं, परंतु अय्यूब को परमेश्वर की अधीनता में से नहीं निकाल पाया। बहुत कोशिश करी कि अय्यूब जो है परमेश्वर की अधीनता में से निकले आए, परमेश्वर की अधीनता में से निकले आए, परंतु निकाल नहीं पाया। और जब उसको अधीनता में से निकाल नहीं पाया तो उसको हरा भी नहीं पाया, किसी भी चक्रव्यूह में फंसा नहीं पाया। बहुत सी मुसीबतें, बहुत सी परेशानियां, बहुत से जाल, बहुत से चक्रव्यूह इतने भयंकर फंसा कि उसके पूरे बच्चों को मार डाला, उसके दामाद को, बेटी को और उसके बेटों को, सबको मार डाला उसने। सोचिए, जिसके सब सब कुछ नष्ट कर दिया, वो तो नष्ट कर दिया उसने, मगर उसके बच्चों को नष्ट कर दिया। मगर अय्यूब को उसकी परमेश्वर की अधीनता से, परमेश्वर की उपस्थिति से नहीं निकाल पाया। अगर निकाल देता तो अय्यूब पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता। फिर शैतान ने उसे परमेश्वर ने फिर उसे डांटा, हे शैतान दूर हो, निकल यहां से। फिर परमेश्वर ने उसका सब कुछ वैसे ही। जब हम परमेश्वर की अधीनता से अपने आप को, कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी टेंशन आए, नहीं निकालते हैं, नहीं हटाते हैं अपने आप को, परमेश्वर की अधीनता में ही रहते हैं, तो शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता, भाग जाता है। फिर परमेश्वर का वचन कहता है, चौथा क्या है, सबो उपदेशक 12 अध्याय उसका 13वां पद, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यह है। देखिए, हमारी जो ड्यूटी है, देखिए, हमारा बच्चों के प्रति जो कर्तव्य हम लोग पूरा करते हैं, अपने परिवार के प्रति जो कर्तव्य वो करते हैं, जहां हम काम करते हैं जो कर्तव्य वो करने की कोशिश करते हैं, हम अपने चर्च के प्रति या पास्टर के प्रति जो भी कर्तव्य होते हैं वो करते हैं, मगर यहाँ पर जो कर्तव्य पालन करना है, जो हमें पूरी ड्यूटी निभानी है अपनी, और पूरी ड्यूटी को जो करना है वो परमेश्वर के प्रति भी अपनी ड्यूटी को पूरा करना है। और ड्यूटी क्या है कि परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना, यही हमारी संपूर्ण ड्यूटी है। जब हम इस ड्यूटी में लगे रहते हैं, परमेश्वर के भय में हैं, बुद्धिमान बने हैं, शैतान की हर चाल को समझकर उससे दूर होते हैं, और जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम परमेश्वर के पुत्र बनते हैं, उसके बेटे बेटियां बनते हैं, और परमेश्वर हमें शैतान से बचाता है। परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है। पांचवा है, शैतान को अवसर ना दो। इफिसियों 4 अध्याय उसके 27 पद में लिखा, और शैतान को अवसर ना दो। बस ये छोटा सा पद है, शैतान को अवसर। जब हम जरा सी कोई गलती करते हैं, कोई पाप करते हैं, कोई बुराई, मान लीजिए घर के अंदर लड़ाई हो गई और कोई बात हो गई, तू मैं हो गई, या किसी बात पे बहस हो गई, या किसी बात पे बहस छिड़ गई, तो वो छिड़ते 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 इतनी लंबी हो जाती है, और इतनी बड़ी क्यों? क्योंकि शैतान बीच में काम कर रहा है, और वो उस छोटी सी बात को जो तुल पकड़ लेती है, जो बहस का मुद्दा बन जाती है, वो लड़ाई का कारण बन जाती है, और हमारा घर, हमारा परिवार या कलीसिया जो है वो लड़ाई का मैदान बन जाती है। क्यों? क्योंकि हमने शैतान को अवसर दिया। परमेश्वर का वचन इसलिए कहता है कि क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। हाँ, गुस्सा आता है, बच्चों पे गुस्सा आता है, एक दूसरे पे गुस्सा आता है, कुछ गलती होती है, डांट देते हैं, फटकार देते हैं, वो एक अलग चीज है, परंतु उसके साथ में पाप मत करो। अगर बुराई करने लगते हैं, एक दूसरे के बुरे शब्दों का यूज करने लगते हैं, एक दूसरे की बुराई खोदने लगते हैं, एक दूसरे के पापों को गिनाने लगते हैं, तो इसका मतलब क्या? हम शैतान को अवसर। और परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे ही शैतान को अवसर मिलता है, वो तुरंत आकर और हमारे जीवन को क्या करता है, हमारे चारों तरफ अपना चाल फैलाकर और वो चक्रव्यूह में फांस कर हमें जो है और पापी बना देता है। फिर क्या लिखा है, छठवें में क्या लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इफिसियों 6 अध्याय उसके 11वें पद में लिखा, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर के सारे हथियारों को बांध लेना है, परमेश्वर के सारे हथियारों को बांधकर शैतान के सामने खड़े होना है कि शैतान की हर युक्तियों का सामना कर सके। और फिर परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि जो परमेश्वर के जो हथियार हैं, एफिसियों 6 अध्याय 13 से 18 तक पढ़ लीजिए, परमेश्वर के कौन कौन से हथियार हैं, उनको हम बांधे रहें अपने जीवन में ताकि हम उनको पूरा कर सके। सातवां है, अपनी आत्मिक सेवा को पूरा करें। अब आत्मिक सेवा क्या है,
रोमियो 12 अध्याय उसका पहला पद है, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि तुम अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। परमेश्वर क्या चाहता है, हम अपने शरीरों को जीवित, अपने शरीर को पवित्र। लिखा ना पहला पत्रस पहला अध्याय उसके 16वें पद में, जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो, अपने आप को पवित्र और परमेश्वर को भाता। हमारा जीवन परमेश्वर को भाने वाला होना चाहिए, पड़ोसी को या रिश्तेदारों को, नातेदारों को या कलीसिया को या पास्टर को भाने वाला नहीं होना चाहिए, परमेश्वर को भाने वाला होना चाहिए। और रोजाना हम अपने शरीर को, अपनी आत्मा प्राण देह को परमेश्वर के हाथ में सौंपे ताकि सुरक्षित रह सकें और शैतान के किसी भी चक्रव्यूह में हम ना फंसें और उसे मौका भी ना दें शैतान को उसकी, वह हमारे चारों तरफ अपनी युक्ति अपना चक्रव्यूह हम रच सके और हमें फंसा सके। तो याद रखें हमारी जो आत्मिक सेवा है प्रत्येक दिन उसको पूरा करना, और यही हमारी आत्मिक सेवा है। रोमियो 12:1 को ध्यान में रखें। फिर है आठवां जो है लास्ट जो है, ये दो पढ़ेंगे आठवां और नवा, उसके बाद खत्म करेंगे कि शैतान के चक्रव्यूह से कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में बात करें। प्रत्येक दिन अपना क्रूस उठाना है। लूका 9 अध्याय उसके 23 पद में लिखा, उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रत्येक दिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। सबसे पहले हम अपने आप का इनकार करने का मतलब अपने अहंकार को मारना है, अपने घमंड को मारना है, अपने ईगो को खत्म करना है और सारी बुराइयों को खत्म करके जो है अपना क्रूस, अपना दुख, अपने मुसीबत उठाकर जो है वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे प्रत्येक दिन आना है और प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। किसी दिन ये क्रूस उठाने के अपने क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना है, इसका संदेश भी आप तक पहुँचाऊंगा। और यहाँ लिखा है कि जब हम उसके पीछे चलते हैं, जब हम यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, अपना क्रूस उठाकर चलेंगे और ईमानदारी के साथ उसके पीछे लगे रहेंगे, तो शैतान जो है हमें अपने चक्रव्यूह में नहीं फंसा सकता। नवा है लास्ट है, उसकी खोज में लगे रहो। मत्ती 6:33 पद, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। कहते हैं ना कि खाली दिमाग जो होता है शैतान का घर होता है। जब हम रोजाना परमेश्वर के धर्म और राज की खोज में लगे रहेंगे तो हमारे पास इतना समय नहीं मिलेगा कि हम फालतू लोगों के साथ उठे बैठे या फालतू सोच विचार हमारे दिमाग के अंदर पैदा हो, क्योंकि हम परमेश्वर की खोज में लगे हैं। और जब परमेश्वर की खोज में लगे हैं तो शैतान को अवसर मिलेगा नहीं, हम अवसर देंगे नहीं शैतान को कि वो हमारे लिए कोई युक्ति रचे या जाल फैलाए या चक्रव्यूह रचे, हम उसके चक्रव्यूह में फंस ही नहीं सकते। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये जो 9 बातें आपको परमेश्वर के वचन से बताई, अगर हम इसको मानेंगे तो हम कभी भी शैतान के चक्रव्यूह में फंस नहीं सकते, उसके किसी फंदे में नहीं फंस सकते हैं, हम उसके किसी भी युक्तियों में नहीं फंस सकते हैं और उसके किसी भी झांसे में नहीं आ सकते। तो आइए इन 9 बातों पर ध्यान करें और अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में सौंपें ताकि शैतान के चक्रव्यूह से बच सके। प्रभु आप सबको आशीष दे।